Come watch my movie Jawan, releasing at a cinema location near you. तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों. जवान जवान और जवान हर जगह, अब सिर्फ जवान. कहाँ है जवान का ट्रेलर? नो वन नोज. बट एक सॉलिड अपडेट लेकर आया हूँ आज आप लोगों के लिए. लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, जवान के ट्रेलर ने ऐसी ज़बरदस्त हाइप सेट करके रख दी है, मैं बता नहीं सकता. हर जगह बस जवान ही जवान चल रहा है. लोग कई जगह फुल एक्साइटमेंट होके बैठे पड़े हैं कि यार अब साइड ट्रेलर देखने को मिल जाए, आज या कल में या कभी भी किसी भी टाइम. कुछ तो खुन्नस खाने लगे हैं कि SRK के ज़्यादा भाव बढ़ गए हैं. मूवी रिलीज होने को बस 12 से 14 दिन और बचे हैं और ट्रेलर दूर दूर तक दिख नहीं रहा है. लेकिन मैं अभी भी आपको बताना चाहूँगा, ट्रेलर तो आके रहेगा पक्का और आजकल में ही आने वाला है. खैर, एक खबर सुनने में आई है. ट्विटर पे एक मीटिंग टाइप की चल रही थी जो SRK से रिलेटेड सारी अपडेट्स रखते हैं, जिन्हें सब कुछ पता होता है. कल उनके द्वारा एक प्रिडिक्शन करा जा रहा था कि फलाने दिन को आ सकता है ट्रेलर या फिर कभी भी आने वाले 2-3 दिन में. मतलब एक सॉलिड चीज़ वहाँ से ये पता चली कि 3 से 4 दिन का एक फंक्शन टाइप बिग इवेंट होने वाला है, जिसमें लगातार प्रमोशन चलेगा और सारे प्रमोशन साउथ में चलेंगे, खासकर चेन्नई में, कोच्ची में और एक दो जगह और हैं. तो देखा जाए तो साउथ की ऑडियंस को फुल टारगेट करा जा रहा है SRK के द्वारा. और SRK को तो ये पता ही है कि हिंदी ऑडियंस तो उनकी है ही. लेकिन मुझे यहाँ एक चीज़ खतरे में देखने को ये मिल रही है कि वो ये है कि हिंदी ऑडियंस कहीं ना कहीं अब टूटने लगी है. वो क्रेज़ SRK के लिए मुझे जवान में देखने को नहीं मिल रहा है. कैसे? देखो, चलिया सॉन्ग बेस्ट था पर रिजल्ट बिलो एक्सपेक्टेशन. इसी के साथ जिंदा बंदा सॉन्ग आया, बिल्कुल रद्दी, रिजल्ट बिलो एवरेज से भी नीचे वाला ग्रोथ. तो ये सीधा सीधा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है हिंदी ऑडियंस की तरफ से. लेकिन फिर भी SRK नींद में है. आई डोंट नो रेड चिली क्या चाहती है, SRK क्या चाहते हैं, क्योंकि टाइम है आजकल में. इन्हें ट्रेलर अपडेट दे देना चाहिए. थर्ड सॉन्ग जो रमिया सॉन्ग है, ये इन्हें रिलीज कर देना चाहिए. एटलीस्ट कुछ तो रिलीज करना चाहिए. आखिर हिंदी ऑडियंस को कुछ ऐसा जबरदस्त तड़कता भड़कता मिल जाए. जो प्रीव्यू आया था, प्रीव्यू के बाद से ऐसा कुछ नहीं आया जिससे हिंदी ऑडियंस काफी खुश हो जाए. दूसरी तरफ इस बार प्रमोशन बहुत सॉलिड चल रहा है, बिल्कुल जानदार शानदार चल रहा है. और जो बिग इवेंट होने वाला है 21 अगस्त को और या फिर 1 से लेकर 3 सितंबर के बीच में, कभी भी, मतलब एक दिन हो सकता है या फिर तीनों ही दिन हो सकता है, इनमें से किसी एक डेट पर बिग इवेंट होने वाला है. ये तो खैर पक्की बात है और नो डाउट मुझे पूरा यकीन हो रहा है कि ट्रेलर रिलीज को लेकर हो सकता है ये प्रमोशनल इवेंट या फिर किसी और चीज़ को भी लेकर हो सकता है. क्योंकि ये चीज़ पहले भी मैंने बताई है कि एक बिग इवेंट चेन्नई में होना है. अराउंड 10 दिन पहले ये चीज़ मैंने बता रखी है. दूसरा एक प्रिडिक्शन यहाँ से ये निकल कर आ रही है कि शायद मंडे को ट्रेलर आ जाए. वो कैसे? क्योंकि प्रीव्यू जब आया था मंडे को आया था, सेम टीजर जब आया था वो भी मंडे को आया था, जिंदा बंदा जो सॉन्ग था मूवी का फर्स्ट सॉन्ग ये भी मंडे को ही आया था, चलिया सॉन्ग अभी जो लेटेस्ट निकला सेकंड सॉन्ग वो भी मंडे को ही आया था. तो अब फाइनल ट्रेलर भी मुझे लग रहा है मंडे को आने का चांसेस है फुल. या फिर रमिया सॉन्ग जो थर्ड सॉन्ग रिलीज होने वाला है वो आ सकता है मंडे को. मंडे तो खास है, कुछ ना कुछ यहाँ पर रिवील होगा, कुछ ना कुछ यहाँ रिलीज होगा. तो बस वेट करते हैं क्योंकि 1-2 दिन में कुछ भी हो सकता है. और SRK का अगर सर घूम गया, वाकई में अगर सर घूम गया, तो आज भी कभी भी अनाउंसमेंट हो सकती है और कल तक ट्रेलर भी आ जाएगा. तो कभी भी कुछ भी हो सकता है. जो भी मैंने अभी ये सब बताया एक प्रिडिक्शन है, कोई खास कोई स्ट्रॉन्ग नोट के साथ ऑफिशियल अनाउंसमेंट या फिर ऑफिशियल अपडेट नहीं है जवान को लेकर. बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना. और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना. दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना. मिलते हैं अगली वीडियो में. जय हिंद.